जितने भी क्वेश्चंस हमने किए स्ट्रिंग वाले, रस्सी वाले, उसमें स्ट्रिंग हमेशा क्या थी? मासलेस। हम मास लेते ही नहीं है स्ट्रिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल ये रस्सी है, इसका मास नहीं है, और मैंने नीचे एक ब्लॉक लगा दिया 5 kg का, और जो कि किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट, रेस्ट है। इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है? 5G। कितने लोग ये बोलते हैं कि क्योंकि फोर्स 5G है और सिस्टम रेस्ट पे है, मूव तो कर ही नहीं रहा, तो टेंशन की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो 0 आएगी। लगता है आपको कि टेंशन किस बात की? सिस्टम मूव तो कर नहीं रहा, क्या आएगी टेंशन? आएगी क्यों? क्योंकि क्या? क्योंकि क्योंकि क्या ये रस्सी खींची मिलेगी आपको? लगेगी। 5 kg का ब्लॉक लगाओगे, खींची मिलेगी, खींची मिलेगी, उसे फोर्स होएगी। फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। तो हाँ, टेंशन जीरो नहीं होगी। टेंशन जीरो पता कब होती है? रस्सी को जमीन पर ऐसे ही फेंक दो, बल खाए हुए हैं, वो टेंशन जीरो, फिर फोर्स ही नहीं, खिंचाव नहीं है, खींची हुई है यानी कि टेंशन है। तो टेंशन तो है, टेंशन कितनी है? देखो, अगर ये ब्लॉक नीचे मूव करता तो मैं इक्वेशन बनाता 5G माइनस टी इज 5A। अगर ये ब्लॉक ऊपर जाता तो मैं इक्वेशन बनाता टी माइनस 5G इज 5A। क्योंकि ये ब्लॉक नीचे ऊपर जा ही नहीं रहा तो ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स। तो ऊपर की फोर्स क्या है? टी। नीचे की फोर्स क्या है? 5G। इक्वेट करके टेंशन क्या आएगी? 5G। कोई डाउट इसमें? पहला केस क्लियर है। दूसरा केस, अब मैंने क्या किया, जो रस्सी ली उसका मैंने मास भी ले लिया। पहले मासलेस है, सेम क्वेश्चन है, 5 kg रस्सी का मास है, 10 kg की रस्सी है, 5 kg का ब्लॉक है, और 10 kg की रस्सी जो है मास उसका 10 kg और लंबाई उसकी 10 m है। एंड क्वेश्चन में गिवन है मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर तो 10 kg में से 8 kg यहाँ पर था बस, बाकी आधा आधा किलो, पौना पौना किलो डाल दिया, नहीं ये नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, राइट? और आपको 8 m ऊपर टेंशन निकालनी है, क्या होगी? तो अब इस केस में टेंशन होने का रीजन क्या था? अभी तो डिस्कस किया था, टेंशन क्यों होती है? क्योंकि नीचे भार है, वेट है। यहां पर अगर आपको टेंशन निकालनी है, सिस्टम चल नहीं रहा, रेस्ट पे है प्लीज, तो अगर यहां पर टेंशन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? यहां का वेट, रस्सी का वेट प्लस ब्लॉक का वेट ऐड करेंगे, यहां पे टेंशन आ जाएगी। आप कहोगे ये रूल ऊपर तो लगाया नहीं, लगाया है, ऊपर भी लगाया है। ये देखो, अगर मुझे यहां पे टेंशन निकालनी है तो रस्सी का वेट प्लस ब्लॉक का वेट, या रस्सी का वेट तो था ही नहीं तो क्या आया? सिर्फ ब्लॉक का वेट 5G। किसी ने कहा कि सर यहां पे टेंशन निकालनी है, हाँ तो ले लो ना रस्सी का वेट और ब्लॉक का वेट, रस्सी का वेट तो है ही नहीं तो सिर्फ क्या आएगा? ब्लॉक का वेट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस केस में टेंशन की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है कहां पर? यहां पर, तो इतनी रस्सी का वेट प्लस इसका वेट। अगर मुझे टेंशन कैलकुलेट करनी है यहां पे तो पूरी रस्सी का वेट प्लस इसका वेट। तो एक बात तो पक्की है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में टेंशन इसलिए चेंज नहीं हो रही थी क्योंकि रस्सी का वेट ही नहीं है। आप जब यहां टेंशन निकाल लो तो भी इसका वेट नहीं लेना, यहां लगाओगे तो भी वेट नहीं लेना, यहां लगाओगे तो भी वेट, तो वेट हमेशा एक ही काउंट हो रहा है 5G। तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम है। तो अगर रस्सी या स्ट्रिंग मासलेस है तो पूरी रस्सी में टेंशन क्या रहती है? सेम। हमने जितने भी न्यूमेरिकल पिछले 2 lecture में किए, हमने मास लिया ही नहीं तो टेंशन क्या रखी थी? सेम। पर अगर आपकी रस्सी का मास है, आप खुद समझ सकते हैं, यहां पर टेंशन इस रस्सी का वेट प्लस इसका वेट, यहां पर टेंशन नीचे की रस्सी, देखो लेना क्या होता है, इस पॉइंट के नीचे का वेट प्लस इसका वेट, तो ये तो एग्री करते हो, तो टेंशन हर पॉइंट पर क्या होगी? चेंज। सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर होगी? टॉप पे। क्यों? क्योंकि टॉप पे पूरी रस्सी का वेट काउंट हो रहा है प्लस 5G। तो रस्सी कहां से टूटेगी? टॉप से। अगर टूट गई तो मान लो क्वेश्चन में आ गया कि रस्सी की टूटने की जो टेंशन है वो मैक्सिमम टेंशन जो वो टॉलरेट कर पाती है वो 200 N है, पर आपकी यहां पे टेंशन 201 N होगी, पक्का यहां से टूटी जाएगी। हर की कैपेसिटी है ना टेंशन सहने की, तो अगर आपने एक्सीड कर दिया तो टूट जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो जब स्ट्रिंग का मास लेना है, टेंशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, टेंशन हर पॉइंट पर चेंज होगी। अब मान लो यहां पर टेंशन निकालनी है, तो यह रस्सी कितनी 8 m लंबी है, 8 m लंबी रस्सी का मास निकालने पहले कैसे निकलेगा? आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है 10 m रस्सी अगर टोटल लेते हैं तो मास क्या लेते हैं? 10 kg। 1 m के लिए 10/10 और 8 m के लिए 10/10 × 8 यानी कि 8 kg। ये kg लगा लेना,
यहां पर क्या आएगा 8 kg। क्लियर है यहां तक 8 kg, कोई डाउट इसमें? अब कई लोग कहते हैं सर यूनिटरी मेथड लग गया। हाँ लग तो गया, पर फिजिक्स वाले इसको यूनिटरी मेथड कहना पसंद नहीं करते। क्या जरूर है, फिजिक्स वाले कहते हैं कि आप पूरी रस्सी का मास बोलो कितना है, मैं बोलूंगा 10 kg। पूरी रस्सी की लेंथ क्या है 10 meter, तो आपने बेसिकली पूरी रस्सी का क्या लिया, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ पूरी स्ट्रिंग का क्या गिवन है, 1 kg per meter, राइट 1 kg per meter है। और अगर आपको 8 meter लेंथ का मास निकालना है तो रूल है आप मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ 8 meter से मल्टीप्लाई कर दें, जिसका मास आपको निकालना है आपको 8 meter का मास आ जाएगा। कैसे, m by l की वैल्यू कितनी गिवन है 1 kg per meter इंटू 8 meter, मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर 8 kg। हाँ ये कई बुक्स ऐसे करती हैं, मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मैं ऐसे मन में ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, बातें खत्म हो गई। देखो एक्चुअली फिजिक्स वाले गलत नहीं है, यूनिटरी मेथड या ये जो मेथड तभी कामयाब है जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आप पेन लेने गए, एक पेन 2 रुपए का है, दूसरा भी 2 रुपए का, तीसरा भी 2 रुपए का है, तो अब 20 पेन है, आप 20 × 2 = 40 रुपए दे के आ जाओगे, पता है बक्से का क्या कॉस्ट है। अब भाई कहता है कि यार एक पेन 2 रुपए का, एक 20 रुपए का, एक 200 रुपए का, एक 3 रुपए का, अब कैसे कैलकुलेट करो, यूनिटरी मेथड नहीं लग पाएगा, यूनिटरी है ना, यूनिटरी है ही नहीं इसमें। तो मास जब तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तब तक तो लगेगा, कल को होने क्या वाला है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ही नहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाएगा। फिर आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि आप पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, कभी भी मास पर यूनिट लेंथ। ये कैलकुलेशन या कई बार गिवन ही होता है, ये नॉर्मली आप किसी भी बॉडी का मास पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। एक्चुअली डेंसिटी इनकम्प्लीट नाम है, इसको वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी होती है ये। आप कहोगे ये क्या यार वॉल्यूम लगाने से क्या, वॉल्यूम है क्योंकि अब आपने क्या लिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो ये भी डेंसिटी है, ये वॉल्यूम डेंसिटी नहीं है, लीनियर मास है। लीनियर का मतलब लेंथ वाइज, मास का मतलब लेंथ वाइज मास की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। खैर ये बात की बात है, हम बाद में स्टडी करेंगे, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। आप लगा लो यूनिटरी यार, 8 kg आंसर आ गया, असली मुद्दे पे आओ। तो 8 meter का मास कितना है 8 kg, तो वेट क्या है 8g, kg को g से मल्टीप्लाई किया 8g, इसका वेट क्या है 5g, तो टोटल टेंशन क्या आ जाएगी 13g। ठीक है यहाँ तक? अगर मैं कहूँ बताओ यहाँ पे टेंशन क्या है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, बोलो आंसर क्या होगा, पूरी रस्सी का वेट कितना है 10 kg का मतलब 10g प्लस 5g कितना 15g आंसर है। समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है? अब इमेजिन करो स्प्रिंग मासलेस है, फिर से चलो शुक्र है मासलेस है, तो कम से कम एक टेंशन तो खत्म है कि टी की वैल्यू विल रिमेन सेम, जहां मर्जी ले लो टी सेम है, लेकिन इस बार ये रेस्ट पे नहीं है, इस बार ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, और मेरा क्वेश्चन है टेंशन निकालो, तो अब तो सही है। फ्री बॉडी डायग्राम में 5 kg कहाँ जा रहा है, ऊपर, इसके नीचे की फोर्स क्या है 5g, तो ऑब्वियसली अगर ये ऊपर जा रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम में t बड़ा है कि 5g, t ऊपर जा रहा है, अच्छा ऊपर जा रहा है, तो t बड़ा है और 5g छोटा है, तो नेट फोर्स क्या बनेगी, t माइनस 5g इज 5 × a, राइट, तो t की वैल्यू क्या आएगी 5g प्लस 5a, a की वैल्यू क्या बने आंसर। मुझे एक चीज बताओ, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि अगर मैंने एक स्ट्रिंग ली और मैंने 5 kg का मास लगा दिया और स्ट्रिंग रेस्ट पे है, टेंशन क्या है 5g, रस्सी में टेंशन 5g, ये ना रेस्ट पे है, लेकिन अजीब सी बात है कि मैंने मास तो बढ़ाया ही नहीं, मैंने इसे क्या कर दिया एक्सेलरेट, सेम क्वेश्चन है, तो देखो टेंशन क्या आ गई 5g से ज्यादा, कितनी आ गई 5g का मतलब 50 से ज्यादा आएगी। अच्छा चलो और अजीब लगेगा, मैंने एक्सेलरेशन और तेज कर दी, 2 कर दिए 1 की जगह, तो यहां पर 1 की जगह 2, टेंशन और बढ़ गई। चलो मैंने एक्सेलरेशन 5 कर दी, टेंशन और बढ़ गई। लिफ्ट में बैठे हो ना, कई होटलों के लिफ्ट बहुत स्लो चलती है, वैसे लिफ्ट बहुत स्लो है यार, और कईयों की बड़ी फास्ट चलती है,
एक तो मोटर का फर्क है, ऑब्वियसली महंगी लिफ्ट है, मोटर मोटर हाई उठा सकती होंगी, तेज है। दूसरा, लिफ्ट बहुत तेज से मूव नहीं करा सकते आप, जोर पड़ता है रस्सी पे, क्योंकि जितनी एक्सेलेशन ज्यादा होगी उसकी टेंशन रस्सी में उतनी ज्यादा। लोगों का वेट तो काउंट हो ही रहा है, एमजी तो काउंट हो ही रहा है, साथ में एमए भी काउंट हो रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक पॉइंट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? साथ में ये भी काउंट हो रहा है, तो यानी कि अगर आप एक्सेलरेट ज्यादा करवा गए लिफ्ट को तो आपकी रस्सी टूट सकती है, तो बहुत स्पीड से मूव नहीं करना है इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? स्पीड कॉन्स्टेंट हो सकती है, कॉन्स्टेंट में एक्सेलेशन जीरो है, पर एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, कोई डाउट इसमें?